एक और ट्रेन हादसा कई जाने ले गया। नवाबशाह के करीब कराची से हवेलिया जाने वाली हजारा एक्सप्रेस डी रेल हो गई। 10 बोगियां पटरी से उतर गई। 20 अफराद जाम भाग, 50 से ज्यादा जख्मी। करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बोगियों में फंसे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। जख्मियों और लाशों को निकालने में दुश्वारी का सामना। मकामी अफराद भी रेस्क्यू हुकाम की मदद में पेश। ट्रैक बंद होने से रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने ट्रेन हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। लाख मेरी आबादी कम कर दी आपने, मेरी सीट जो है ना वो नहीं बढ़ेंगी, ये सीटें आपकी हैं, ये आपको मुबारक हो। कम से कम मैं जो है इस वक्त आपके लिए टोकन वॉकआउट करता हूं, अगर साथी आते हैं। मर्दमशुमारी की सनच में गूंज, शोर शराबा। बलोचिस्तान पर बम गिरा दिया गया। आबादी 64 लाख कम कर दी गई। 7-8 नशस्तें बढ़नी थी तो वो बर्दाश्त नहीं हो सका। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा का वॉकआउट। डिजिटल मर्दमशुमारी का फैसला गुज़श्ता हुकूमत ने किया। 34 अरब खर्च हुए। मर्दमशुमारी इत्तफाक़े राय से मंजूर हुई। सूबाई हुकाम की तसल्ली के बाद फैसला किया गया। सारी तफसीलात तमाम सूबों को भिजवा दी हैं। किसी को एतराजात हैं तो बताए। वजीर खजाना इसहाक डार की वजाहत। फैसला इस सेंसस का माजी की हुकूमत करके गई है। अगली जो 20-23 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो ड्यू है उसके लिए डिजिटल सेंसस का इस्तेमाल किया जाए। 90 दिन के अंदर वो डिलिमिटेशंस जो हैं वो मुकम्मल कर ली जाएं, ताकि इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे हों, क्योंकि अगर डिलेड इलेक्शंस विल बी अ डिजास्टर फॉर द फेडरेशन। आईनी मुद्दत से इंतखाबात आगे जाना गैर आईनी और विफाक के लिए तबाहकुन होगा। रजा रबानी का सनट में 2 टोक मौकिफ। कहा खदशा है 90 रोज में होने वाले इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन चुप का रोजा तोड़े। जल्द अज जल्द हल्का बंदियां मुकम्मल करे ताकि इंतखाबात बरवक्त हों। आजम नजीर तारड़ बोले इलेक्शन कमीशन आइंदा का वाज लाहमल दे। मुताबिक एक सजा हुई है, उनके पास अपील का हक है। मियां नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी साहब को तो आला तरीन अदालत ने घर भेज दिया, ना अपील ना रिव्यू ना रिवीजन। ये एक कानूनी तरीके कार के तहत आपको सजा हुई है, उसे फेस करे, अपील फाइल करे और वहां पे जाके जवाब दे। चेयरमैन PTI का ट्रायल और गिरफ्तारी कानून के मुताबिक। मुकदमे के दौरान इन्हें पूरा मौका दिया गया। वो 37 बार अदालत में पेश नहीं हुए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सनट में इजहार ख्याल। कहा अब सजा हुई है तो इसका सामना करें। सरबरा तहरीक इंसाफ को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक हासिल है। सरबरा तहरीक इंसाफ अपनी करतूतों की वजह से इस हाल को पहुंचे। उन्हें लीडर कहना लीडर की तौहीन है। सेनेटर बहरामंद की तकरीर पर PTI अरकीन का एहतजाज। नायाब घड़ी की फरोख्त ने बुरा वक्त दिखा दिया। जमान पाक से गिरफ्तार PTI चेयरमैन का अटक जेल ठिकाना। तोशाखाना केस में सजा के बाद पहली रात जेल में गुजारी। सरबरा तहरीक इंसाफ को बी क्लास दी गई। कमरे में मैट्रेस, कुर्सी और पानी का कूलर फराहम। गैर मुसल्ला हल्का ड्यूटी पर तैनात। रास्ते मुकम्मल सील। जेल के अतराफ का इलाका रेड जोन में तब्दील। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी सियासी है ना ही इंतकामी कार्रवाई। उन्होंने रियासती तहाइफ बेचे। मुकदमा अदालतों में रहा। कानूनी मराहिल मुकम्मल हुए। विफाकी वजीर इत्तलात नशरियात मरियम औरंगजेब का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा सरबरा तहरीक इंसाफ मुकदमे में शहादतें पेश करने में नाकाम रहे। इनके खिलाफ मजीद 4 मुकदमात भी जेर समात है। साबिक वजीर आजम साना है नौमई के भी मास्टर माइंड है। जलाओ घेराव में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। अल्लाह को गरूर पसंद नहीं। तकब्बुर करने वालों का अंजाम PTI चेयरमैन जैसा ही होता है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान कहते हैं अभी पहला कतरा नजर आया है, आगे चलकर और भी चीजें सामने आएंगी। हर फॉरम पर दूसरों को चोर कहने वालों की करप्शन के सबूत सामने रखेंगे। अक्टूबर में लंदन के लिए PIA फ्लाइट्स की बहाली का इम्कान। पाकिस्तान ने एक बयान की भारी कीमत अदा की।
इसहाक डार की गरज बरस। बोले कौमी एयरलाइन पर 747 अरब वाजिबुल अदा है, 7 साल ऐसे चलाया तो 1977 अरब का बोझ पड़ेगा। हमें प्राइवेट पार्टनर्स लाना होंगे, एक भी मुलाजिम को फारिग नहीं करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी और शरी रहमान का कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रिजवाना तशद्दुद केस, मुलजिमा सोमिया आसिम शामिल तफ्तीश सेहत जुर्म से इनकार, तशद्दुद के इल्जामात मुस्तरद। कहा बच्ची हमारे घर का काम ही नहीं करती थी, इसे स्किन एलर्जी थी, सर पर चोट कैसे लगी मालूम नहीं। इस खानदान के 10 बच्चे हैं, एक बच्ची को अपने आप पास रखकर उनकी मदद कर रहे थे। स्पेशल GIT ने मुलजिमा से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। घरेलू तशद्दुद की शिकार रिजवाना की तबीयत में बेहतरी, ऑक्सीजन हटा दी गई, खून की रिपोर्ट्स भी बेहतर, 2 से 3 टाइम खाना दिया जाता है, मामूल का इलाज जारी है। सर्जरी से मुतालिक आइंदा हफ्ते फैसला किया जाएगा। गोजर खान में अफसोसनाक वाकया, कुएं की सफाई के दौरान 3 मजदूर दम घुटने से जान बहक, एक अस्पताल मुंतकिल। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को जीत की तलाश, कौमी टीम इवेंट में अपना 3रा मैच आज जापान के खिलाफ खेलेगी। मुकाबला शाम 5:45 पर शुरू होगा। कौमी हॉकी टीम को पहले मैच में मलाशिया ने शिकस्त दी थी, दूसरा मैच कोरिया से बराबर रहा था। और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर अब्बास अफरीदी की कैनेडा T20 लीग में तबाहकुन परफॉर्मेंस, हैट्रिक समेत 5 शिकार, अपनी टीम मॉन्ट्रियल टाइगर्स को फाइनल में पहुंचा दिया। एक और ट्रेन हादसा कई जाने ले गया, नवाबशाह के करीब कराची से हवेलिया जाने वाली हजारा एक्सप्रेस डीरेल हो गई, 10 बोगियां पटरी से उतर गई, 20 अफराद जाम भाग, 50 से ज्यादा जख्मी, करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बोगियों में फंसे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी, जख्मियों और लाशों को निकालने में दुश्वारी का सामना, मकामी अफराद भी रेस्क्यू हुकाम की मदद में पेश, ट्रैक बंद होने से रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने ट्रेन हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। 65 लाख मेरी आबादी कम कर दी आपने, मेरी सीट जो है ना वो नहीं बढ़ेंगी, ये सीटें आपकी हैं, ये आपको मुबारक हो, कम से कम मैं जो है इस वक्त आपके लिए टोकन वॉकआउट करता हूं अगर साथी आते हैं। मर्दमशुमारी की सनत में गूंज, शोर शराबा, बलोचिस्तान पर बम गिरा दिया गया, आबादी 64 लाख कम कर दी गई, 7-8 नशस्तें बढ़नी थी तो वो बर्दाश्त नहीं हो सका, JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा का वॉकआउट। डिजिटल मर्दमशुमारी का फैसला गुज़श्ता हुकूमत ने किया, 34 अरब खर्च हुए, मर्दमशुमारी इत्तेफाक राय से मंजूर हुई, सूबाई हुकाम की तसल्ली के बाद फैसला किया गया। सारी तफसीलात तमाम सूबों को भिजवा दी हैं, किसी को एतराजात हैं तो बताए, वजीर खजाना इसहाक डार की वजाहत। फैसला इस सेंसस का माजी की हुकूमत करके गई है, अगली जो 20-23 में इलेक्शन होने जा रहे हैं जो ड्यू है उसके लिए डिजिटल सेंसस का इस्तेमाल किया जाए। 90 दिन के अंदर वो डीलिमिटेशंस जो हैं वो मुकम्मल कर ली जाए ताकि इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे हों, क्योंकि अगर डिलेड इलेक्शंस विल बी अ डिजास्टर फॉर द फेडरेशन। आईनी मुद्दत से इंतखाबात आगे जाना गैर आईनी और विफाक के लिए तबाहकुन होगा, रजा रबानी का सनट में 2 टोक मौकिफ, कहा खदशा है 90 रोज में होने वाले इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन चुप का रोजा तोड़े, जल्द अज जल्द हल्का बंदियां मुकम्मल करे ताकि इंतखाबात बर वक्त हों। आजम नजीर तारड़ बोले इलेक्शन कमीशन आइंदा का वाज लाहे अमल दे।